राजधानी दिल्ली में फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सामने आया है उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके से, जहां पर एक समुदाय भवन के अंदर कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिशियन का काम करने वाला एक व्यक्ति था, उसके हाथ में गोली लग गई है। कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो शादी समारोह में आए हुए थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, हमारे साथ बात करने के कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद बाबा है। यहाँ पर हम लौंडिया की शादी में आए थे और यहाँ पर यह पता चला कि यहाँ पर गोली लग गई है और एक बिजली जो सही कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ लोग आए और उन लोगों को आपसी झगड़ा हुआ और सामने से सीधी गोली उन पर चलाई, तो एक लड़के की बाँह में लगी है। कॉल करी पुलिस, यहाँ पर मौके पर पहुंची और पुलिस ने ही यहाँ पर लड़की की विदाई कराई है और हम लोग भी यहाँ पर खड़े हुए थे और सब अब दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो गए हैं और यहाँ के SHO साहब ने लड़की की यहाँ पर विदाइयाँ करवाई हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपने क्या कुछ देखा था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है। मैंने देखा था यहाँ पर के लड़की का प्रोग्राम चल रहा था, कुछ बदमाश लोग जबरदस्ती अंदर घुसाए। जब उन्हें रोका गया, उनसे पूछा गया भाई क्या है, वो कहने लगे हम तो बदमाश हैं और हम इसी तरीके से खाना खाते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। जब उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उनके साथ में 15-20 जने आए और आते ही लड़की वालों के ऊपर टूट पड़े डंडे लाठी लेकर के। जब वो लड़की वाले काफ़ी आदमी इकट्ठे होकर उन्हें पीटने लगे तो उनके साथियों ने देह धनाधन गोलियां चलानी शुरू कर दी। 6 से 7 फायर हुए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये वो समुदाय भवन है। ये उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के लकड़ी मार्केट में ये समुदाय भवन बना हुआ है। यहाँ लड़की की शादी थी और नोएडा से बारात आनी थी, लेकिन कुछ बताया जा रहा है कि बदमाश यहाँ पर पहुँच गए जिनको रोकने की कोशिश की गई। उसके बाद बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और जिसमें 18 साल के आमिर नाम के लड़के के गोली लग गई। दिल्ली से कैमरा पर्सन आकाश और अपने सहयोगी रोहतास यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, टोटल TV दिल्ली।